हेलो फ्रेंड, आज का मैं टॉपिक बात करने वाला प्लाटिना 100 सीसी कंफर्ट बाइक का। इसका अभी क्या है, जब भी स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट करने के बाद मतलब जल्दी एक बार भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, कम से कम इसका 2 से 3 सेकंड के बाद स्टार्ट हो रहा है। मतलब जब भी सेल्फ मार रहा है, मारने के बाद स्टार्ट हो रहा है, फिर छोड़ दे रहा है, स्टार्ट हो रहा है, छोड़ दे रहा है। इसी तरीके से इसका प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका ISC भी फाल ख़राब हो गया क्या, इसका जो थर्मल सेंसर वो सेंसर ख़राब हो गया क्या, इसका ऑटो चोक जो है वो ख़राब हो गया है, इसको कैसे पता करने का आपको, क्योंकि इसका जो OBD स्कैनर से माध्यम से उसको चेक कर सकते, लेकिन आपको ये ऐसा जो देसी जुगाड़ बताएगा मैं, क्योंकि देसी जुगाड़ में मल्टीमीटर से आप चेक करके बता सकता है जो आपका जो ISCB वाल्व का है उसका कंटिन्यूटी कितना आना चाहिए और इसका जो ऑटो चोक का कंटिन्यूटी कितना आना चाहिए। आपको एक एक डिटेल के साथ देखा देता, अगर वीडियो थोड़ा भी अगर जानकारी मिला ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिए यार, और चैनल पे ना सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फ्रेंड अभी क्या कर रहा है मैं, अभी सबसे पहले इसको मल्टीमीटर को सबसे पहले मैं इसको कंटिन्यू मोड में लेता, देख पा रहे भाई अभी ऑफ में है, ठीक है थोड़ा अभी ये ऑफ है। मैं अभी क्या करता इसको अभी कंटिन्यू मोड पे अभी सबसे पहले मैं सेट करके लेता, देख पा रहे सिर्फ ये जो देख पा रहे हैं ये जो फंक्शन है इसी जगह पे आपको सेट करना मांगता। उसके बाद क्या करने का, ये जो देख पा रहा है यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि अभी एक बात बोलना पड़ा, क्योंकि अगर चाहिए तो आप मैं स्टार्ट करके आपको देखा दे रहे प्रॉब्लम किस तरीके से क्रिएट कर रहा है। स्टार्ट हो रहा है छोड़ दे रहा है, स्टार्ट नहीं छोड़ रहा है, ऐसे इस तरह का प्रॉब्लम कर रहा है। आपको कैसे करना करने का, सबसे पहले इसका जो ISCB वाल्व वो भी चेक करके आपको देखा दे रहा है मल्टीमीटर से, उसका रजिस्टर कितना आना मांगता और लेफ्ट साइड में उसका जो ऑटो चोक उसको भी रजिस्टर कितना आना मांगता आपको देखा दे रहा है। ये जो देख पा रहे फ्रेंड अभी इसको कपलर है निकल देने का, देख पा रहे फ्रेंड मैं निकल चुका। उसके बाद इसको रजिस्टर में मैं सबसे पहले मल्टीमीटर को होल्ड करके लेता फ्रेंड। अभी जो रेड कलर का जो है अभी देख पा रहे, इसमें दोनों कलर देख पा रहा है, जो इसका जो ऑटो चोक है ना, ऑटो चोक में इसमें दो आर देखने को अभी मिल रहा है, एक लगाने का रेड में रेड लगाने का और एक जो दोनों है और एक जो ब्लैक का जो ब्लैक में लगाने का अर्थिंग का, ठीक है देख पा रहे। अभी कंटिन्यू मोड में अभी रजिस्टर कितना शो करेगा इसमें, अभी इसका शो करना मांगता कम से कम 15 से 25 तक जाना मांगता। अगर इसके नीचे भी हो गया तो इसका प्रॉब्लम हो सकता है, और ये शॉर्ट है का क्या है अभी आपको चेक करके देखा दे रहा है। सबसे पहले देख पा रहे 15, अभी ये 15 के नीचे जाना नहीं मांगता, 15 से 25 तक आना मांगता। अगर सोचो इस तरीके से आ रहा है तो सोचने का आपका जो ऑटो चोक है ना वो सेंसर बराबर काम कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जो देख पा रहे हैं ना ऑटो, इसका जो ऑटो चोक है ये काम करता सिर्फ ये इसको, ये जो थर्मल सेंसर देख पा रहे हैं ना, ये थर्मल सेंसर का साथ ये मिल के काम करता, क्योंकि इसका सिग्नल जाता है इशू में, इशू से 8 फुट क्या करता, इसका जो ऑटो चोक है ना, ऑटो चोक में इसका 12 वोल्ट का सप्लाई छोड़ता है, कौन छोड़ता है ECU, ठीक है। इसी का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, इंजन कंट्रोल यूनिट, क्या इंजन कंट्रोल यूनिट, क्या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अभी आपको पता चल गया इधर का ये जो सेंसर है ना, सेंसर का अगर इससे नीचे अगर होता तो प्रॉब्लम इस तरीके से आ सकता था, क्योंकि अभी मैं जाता राइट साइड में जाने के बाद आपको वो भी चेक करके देता उस साइड का। अभी देख पा रहे फिर मैं राइट साइड में आ चुका, इसका जो कपलर है ना, जो ISCB वाल्व, इसका काम क्या, ISCB वाल्व का काम, इसका जब भी गाड़ी स्टार्ट करता ना, स्टार्ट करने के बाद देखने का एक टिक 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 आवाज़ करता, एक इस बात से करता, क्योंकि ये जो सिग्नल है ना भेजता कौन, ECU, मतलब पूरा फंक्शन है ना ECU से काम करता, ठीक है। लेकिन ये जब भी इसका गाड़ी स्टार्ट करता ना, स्टार्ट करने के बाद जब भी इस टिक टिक जो साउंड कर रहा है, लेकिन इसमें क्यों कर रहा है, इसमें एक सेंसर लगा रहता, ये जो सेंसर है ना ISCB वाल्व सेंसर, ठीक है, इसका अंदर से मतलब एक छोटा सा कंपाउंड लगा है, जब भी सेल्फ मारता, मारने के बाद जब भी स्टार्ट होता, स्टार्ट होने के बाद में अंदर से उसका जो सप्लाई है ना, एयर का सप्लाई, वो प्रॉपर तरीके से जाना मांगता। अगर सोचो ये वाल्व अगर इसको निकल दिया, निकलने के बाद भी इसका स्टार्ट जल्दी होने वाला नहीं, इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मैं अभी क्या करता इसको कपलर का निकलता, निकलने के बाद आपको देखा रहा है इसका रेजिस्टेंस कितना आना मांगता है, देख पा रहे फ्रेंड मैं इसका कपलर को ओपन कर चुका। अभी तो मेरा मल्टीमीटर भी चालू है, अभी मैं रेजिस्टेंस इसको चेक करके देखा देता है, देखता फ्रेंड इसका 65 आना मांगता है।
65 दो ज़रूर आना मांगता है, 50 से 60 तक आना मांगता है इसका। देख पा रहे फ्रेंड, अभी 62 आ रहा है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया, ये भी सही है, क्योंकि इसके पहले क्या आ रहा है, मतलब ये कभी छोड़ दे रहा है, कभी चालू हो रहा है, इस तरीके से ये प्रॉब्लम कर रहा है था। ठीक है, मैं अभी क्या करता, दूसरा टेप इसको बताने वाला।